कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया है बॉटम लाइन का, और क्या ये ज्यादातर इस वजह से हुआ है कि लोअर प्रोविजन इस बार देखे गए हैं? नंबर एक तो जैसा आपने कहा कि एक सेक्युलर ट्रेंड था कि जो कॉर्पोरेट ट्रेड साइकिल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी, तो उसका एक आप नमूना ये था कि हालांकि हमने देखा कि कोविड की पहली वेव थी, दूसरी वेव थी और तीसरी वेव भी थी, उसके बावजूद हमारे ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस लगभग हर क्वार्टर में कम होते गए। तो अब जबकि कोविड हमारे पीछे है, अब जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है क्रेडिट क्वालिटी के अंदर, प्रोविजन कम हो रहे हैं, वो जो है उससे लाभ बैंक की सीधे बॉटम लाइन को जा रहा है। दूसरा जो है, अगर आप देखिएगा, आपने एनआईआई का जिक्र किया, तो हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां लिक्विडिटी सरप्लस थी और बैंकों के लिए प्राइसिंग पावर चैलेंज थी। तो हमारे लिए जो है, हमने कोशिश ये की है कि लोन ग्रोथ चाहे थोड़ी कम हो पर हमारी प्राइसिंग पावर इंटैक्ट रहे, हम ऐसे दर पे लोन दे पाए जो बैंक के लिए ठीक है। तो हमारी जो, अगर आप देखिएगा, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसकी वजह से बढ़ी है। तीसरा उसका आयाम है हमारी लायबिलिटी फ्रेंचाइज। तो हमने कोशिश ये की है कि हमारी लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ लगभग बराबर हो, जिससे ये ना हो कि हम बाजार से 6% पे पैसा लें और वापस 3.5% पे बाजार में पैसा दें। तो हमारी लोन ग्रोथ थोड़ी कम रही है पर मार्जिन में काफी बेहतरी हुई है। हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 2.70% थे एक साल पहले, वो अब बढ़कर 3.13% हो गए हैं। लगभग 40 बेसिस पॉइंट की वृद्धि है एक साल के अंदर, तो उसका बहुत लाभ हमें मिला है। तो किए, बट ओवरऑल प्रोविजन हम देखें वो कम हुए हैं इस बार, और आपने प्रोविजन किया है फॉर स्टैंडर्ड एडवांसेस 1400 करोड़ रुपीज। सर, कौन से सेक्टर के लिए ये अकाउंट करता है? सर, जब भी क्रेडिट साइकिल इम्प्रूव होती है तो स्लिपेजेस कम होती हैं, इंटरेस्ट और जो आपकी क्रेडिट कॉस्ट है वो भी कम होती है। तो हमने साल के शुरू में भी कहा था कि हम ये आशा करते हैं कि हमारा जो स्लिपेज रेशियो है वो लगभग 2% हो, हमारी क्रेडिट कॉस्ट 1.5 से 2 के बीच में होगी और थोड़ी 1.5 की तरफ भी बढ़ेगी। तो प्रोविजनिंग जो है हमने इस तिमाही में थोड़ी कुछ ज्यादा भी की है, जिसकी इस तिमाही में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम अब क्योंकि मुनाफा अच्छा हुआ है तो एक मौका था कि आगे के लिए हम बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको थोड़ी और सुदृढ़ बनाएं। तो नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट हमारे साथ था। फिलहाल ये स्टॉक हरे निशान के साथ, मजबूती के साथ 6.5% की स्ट्रेंथ पर कारोबार करता दिख रहा है।